समाजवादी पार्टी जी वहाँ सदस्यता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, मेहनत करने वाले लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े, व्यापारी जुड़े, किसान जुड़े, नौजवान जुड़े और उसी संबंध में कि समाजवादी पार्टी का मछलीशहर विधानसभा में जो हमारा एक सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है वह उसकी क्या प्रगति है। तो यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोगों से बताते हुए कि समाजवादी पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है हर बूथ पे कम से कम 1 सक्रिय सदस्य। वैसे तो लगता है कि हर बूथ पे हमारे 2 जिले के 3 सक्रिय सदस्य हो जाएंगे। उस लक्ष्य की तरफ हम करीब करीब पहुँच रहे हैं और यहाँ के हमारा सर सामने नगर निकाय चुनाव भी है उस पर किस तरीके से तैयारी चल रही है आपसे? उसके जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तो 5 साल तैयारी करते हैं हर चुनाव, चाहे इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद 27वीं विधानसभा का चुनाव है, निकाय का भी चुनाव है, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी के जो लोग वर्कर हैं, जो संगठन है, जो समाजवादी पार्टी में लोग काम करते हैं सब लोग लगे हुए हैं और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम मछली शहर से जो हमारा काम बन गया है उसमें अपार सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अरे ठीक अब चले जाए। यहाँ अच्छे लोग इसी बहाने समाजवादी पार्टी से जुड़े, आज जब समाजवादी पार्टी से अच्छे लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो सपना है आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मजबूत पार्टी बन करके उभरेगी, बन जाती है। जब चुनाव होता था तो बसपा पार्टी ने एक तो फोन कीजिए तो पता चला कि पता चलता था कि वो सूरत गया, बंबई गया। इस बार इस तरह काम कर रहे हैं जो लोग समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में लगातार लगे हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएगी और निश्चित रूप से इस बार प्राथमिकता उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा का टिकट मिलेगा। जहाँ तक देश की राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है, आप सभी लोग यहाँ आप समझते हैं नेता लोग वही बैठे हैं, ज़्यादातर हमारे सेक्टर के अध्यक्षाएँ हैं, बूथ के अध्यक्षाएँ हैं, आप लोग सारी परिस्थितियों से अवगत हैं। सन 1975 में इस देश की सबसे ताकतवर महिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ मानदेश में आपात इमरजेंसी की घोषणा कर दिया, देश के अंदर जितने विपक्ष के नेता थे उनको डेरे में बंद करने का काम किया, DIR और भीषण में बंद करने का काम किया। उस समय इस तरह की दहशत नहीं थी, जिस तरह की दहशत बिना इमरजेंसी इस देश में थोपे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे देश हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो उसमें कायम करने का काम किया। आज चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे चुनाव है और यह भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन हो गए। केवल एक विभाग ने, ईडी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनी हुई सरकार को 39 विधायकों को ईडी की नोटिस भेज कर, प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस भेज करके 39 विधायकों को तोड़ने का काम किया, तब जाकर के उद्धव ठाकरे की सरकार वहां पर गिरी। ठीक इसी तरह का मामला दिल्ली में हुआ, ऑपरेशन लोटस चला करके आपके विधायकों को तोड़ने का काम हुआ। बिहार में जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी उसी दिन से महागठबंधन के नेताओं के घर पर CBI के छापे पड़ने लगे, ईडी की नोटिस आने लगी, इसी तरह का वातावरण झारखंड में भी पैदा किया। आज देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या हो गई है महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यह तमाम मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर हो गई है कि लोकतंत्र इस देश का जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र को समाप्त करने की योजना भारतीय जनता पार्टी
कि केंद्र की चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती, वो हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती, हमारी सुख सुविधाओं को खत्म करना चाहती। समय नहीं है, आप यहाँ अध्यापक लोग पढ़ाना, चार लोग बैठे हैं, ये लोग जानते होंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय हो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, वहाँ लेक्चर और प्रोफेसर किस जात के लोग हो रहे हैं, किस वर्ग के लोग हो रहे हैं, इस तरह का वातावरण पूरे देश और प्रदेश में कायम हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर कोई विपक्षी पार्टी न रह जाए, सारी विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाए, हम जिसको चाहे वह राजनीति करें, हम जिसको चाहे वह पार्टी विपक्ष की राजनीति करें, इस तरह का माहौल। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, तमाम ऐसी पार्टियां खत्म हो गई, आज केवल एकमात्र जनता की आशा का केंद्र जो बना हुआ है वह समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ही इस पार्टी से लड़ सकती है इस प्रदेश के अंदर, और इनकी सरकार 2024 में जाएगी पूरे देश के बारे में मत सोचिए, केवल 3 प्रांत अगर सही हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चली जाएगी। जिस प्रकार का महागठबंधन बना है बिहार में, 40 में 39 सीटें अलग जीते थे भारतीय एनडीए की पार्टी, एनडीए गठबंधन ने 40 में 39